गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो टुडे वी विल रीड द चैप्टर 7 दैट इज इंट्रोडक्शन टू फाइल मैनेजमेंट. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. इसके पहले हम आपको चैप्टर 6 बताए थे पेंट वाला. नाउ वी विल सी टू फाइल मैनेजमेंट. सो व्हेन वी ओपन अ प्रोग्राम इन कंप्यूटर इट इज लोडेड इन कंप्यूटर्स मेमोरी. जब आप कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम खोलते हो कोई भी प्रोग्राम तो वो आपका कंप्यूटर के मेमोरी से खुलता है. ठीक है, जैसे फ़ोन में कुछ फ़ोटोज़ खोलते हो तो आपका गैलरी या फ़ोन के मेमोरी में रहता है ना, उसी तरह कंप्यूटर के मेमोरीज़ में बहुत सारे प्रोग्राम्स रहते हैं. ऑल द वर्क वी डू विद द प्रोग्राम रिमेन्स इन द मेमोरी. जो भी काम, जो भी प्रोग्राम, जो भी चीज़ आप करते हो कंप्यूटर में, वो सब आपका कंप्यूटर के मेमोरी में रहता है. इफ़ द कंप्यूटर इज शट डाउन, शट डाउन मतलब अगर कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है या बंद हो जाता है, तो जितना भी तुम्हारा काम है, जितना भी आपका मेमोरी में है, सब डिलीट हो जाएगा, सब लॉस्ट हो जाएगा. देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेव आवर वर्क इन द कंप्यूटर परमानेंटली. इसीलिए हमें जो भी है वो परमानेंट सेव करना चाहिए. दो तरह का सेव कर होता है, एक होता है टेम्प्ररी एंड सेकेंड इज परमानेंटली. तो टेम्प्ररी जब भी आप फोन जब भी आप कंप्यूटर ऑफ करोगे और फिर ऑन करोगे तो वो डाटा डिलीट हो जाता है. बट जो हम लोग परमानेंट करते हैं वो आप जितनी बार कंप्यूटर ऑफ ऑन करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो फिर भी आपका वो जो प्रोग्राम जो भी फाइल है वो सेफ रहेगा कंप्यूटर में, वो डिलीट नहीं होगा. आवर वर्क इज सेफ इन द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर फाइल. इन दिस चैप्टर यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिंग द फाइल्स एंड सेविंग देम. सो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कैसे फाइल क्रिएट करते हैं और कैसे उसको सेव करते हैं. सो व्हाट इज़ अ फाइल? अ फाइल स्टोर्स आर वर्क इन द कंप्यूटर. फाइल जो है वो कंप्यूटर में स्टोर करता है. जनरली द फाइल्स आर सेव्ड ऑन द कंप्यूटर हार्ड डिस्क. मेन हार्ड डिस्क में सेव होता है. दे कैन बी सेव्ड ऑन अदर स्टोरेज डिवाइसेज ऑल्सो. कोई और डिवाइस में भी सेव कर सकते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव, CD और DVD. CD कम्पैक्ट डिस्क और DVD डिजिटल वीडियो डिस्क. फाइल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. तरह तरह के बहुत डिफरेंट टाइप्स के फाइल्स होते हैं. सम एग्जाम्पल्स आर, इफ़ यू क्लिक अ पिक्चर ऑफ योर फ्रेंड देन इट कैन बी सेव्ड एज एन इमेज. अगर आप अपनी फ़ोटो या फिर कोई दोस्त या फिर किसी मम्मी का, पापा या किसी चीज़ का भी फ़ोटो क्लिक कर रहे हो तो वो कैसे सेव होगा? वो कोई इमेज या ग्राफिक में सेव होगा. ठीक है, अगर आप कुछ वॉइस कर रहे हो रिकॉर्ड, किसी का गाना गाया हुआ, किसी का बोला हुआ रिकॉर्ड कर रहे हो तो वो आपका ऑडियो फाइल में सेव होगा. और अगर आप वीडियो शूट कर रहे हो, कोई वीडियो बना रहे हो उससे, तो वो आपका वीडियो फाइल में सेव होगा. जैसे कि फ़ोन में आप देखते हो तो गैलरी में तो सब रहता है, लेकिन फ़ोटोज़ में आपका सिर्फ फ़ोटोज़ रहता है जो आप क्लिक करते हो. वीडियोज़ में आपका सिर्फ वीडियोज़ रहता है. और कुछ सुनना रहता तो आप रिकॉर्डर में जाके आप सब सुनते हो जो रिकॉर्ड किए हो. उसी तरह कंप्यूटर में भी होता है. ओके, इफ़ यू टाइप अ लेटर यूजिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम देन इट कैन बी सेव्ड एज अ टेक्स्ट फाइल. सो फाइल्स स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन. सो फाइल्स जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, मतलब तरह तरह के इंफॉर्मेशन अपने में स्टोर करते हैं. ये फन टास्क आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिस यू डोंट हैव टू रीड. ये हम ऑनलाइन आप लोगों को करवाएंगे. सो नाउ वी विल रीड फ्रॉम हाउ टू आइडेंटिफाई फाइल्स. फाइल्स को आइडेंटिफाई कैसे करते? कोई भी फाइल्स को आप जानो कैसे कि कौन सा फाइल क्या है. ठीक है, ईच फाइल इज गिवन अ नेम विच इज यूजफुल टू आइडेंटिफाई इट. हर फाइल का कुछ ना कुछ नाम रहता है जिससे आपको पता चल जाए कि कौन सा फाइल क्या है. एवरी फाइल नेम हैज टू पार्ट्स. सारे फाइल का नाम होता है लेकिन मेनली दो पार्ट्स में होते हैं. फर्स्ट इज प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी. प्राइमरी नेम क्या होता है फाइल्स में? विच इज द फर्स्ट नेम ऑफ द फाइल गिवन बाय द यूजर. ये यूजर मतलब आप जो कंप्यूटर में जो अपने नाम से सेव कर रहे हो, जिस भी नाम से आप फोल्डर सेव कर रहे हो, ठीक है, वो होता है प्राइमरी नेम. सेकेंडरी नेम होता है जो ऑलरेडी वो अपने आप सेव करता है. कोई चीज़ सेव कर तो वो कंप्यूटर या मोबाइल्स में देखोगे तो अपने आप इस तरह से आ जाएगा .docx.jpg, ये सब आ जाता है. जो ये कंप्यूटर में ही अपने आप नाम आता है इसको बोलते हैं सेकेंडरी नेम. ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाउ टू सेव आवर वर्क इन अ फाइल. फाइल में हम लोग अपना
जो काम कर रहे, जो भी फॉर्मेट, जो भी आप डेटा बना रहे हो, उसको सेव कैसे कर सकते हो। व्हेन वी वर्क इन अ प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर वी नीड टू सेव। अगर आप काम कर रहे हो, अगर आप बहुत मेहनत से दिन भर रात भर आप बना रहे हो, वीडियो बना रहे हो, फोटोज कर रहे हो, प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, तो उसको आप सेव भी तो करोगे, वरना वो तो डिलीट हो जाएगा, तो फिर आपका वो मेहनत बर्बाद हो जाता है। सो क्यों और कैसे सेव करते हैं, ठीक है, क्यों करते हैं? बिकॉज ऑल द वर्क वी डू इन द कंप्यूटर रिमेन्स इन द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। When computer is switched off, all the work in the main memory is lost. तो हम अभी बताएं आपको कि कंप्यूटर में आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसको सेव करना पड़ता है। अगर आप उसको सेव परमानेंट नहीं किए तो वो आपका लॉस्ट हो सकता है, ओके? इसलिए हम लोग को कंप्यूटर में जो भी मेमोरी उसको परमानेंट सेव करना चाहिए। देयरफॉर वी नीड टू सेव आवर वर्क इन अ फाइल ऑन कंप्यूटर्स परमानेंट मेमोरी। क्रिएटिंग अ न्यू फाइल। अब आपको, आप एक फाइल बनाए उसके बाद आपको दूसरा फाइल क्रिएट करना है, तो आप कैसे करोगे एक नया फाइल? व्हेन वी सेव आवर वर्क फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर पहली बार आप अपना वर्क सेव कर रहे हो, कंप्यूटर आस्क अस टू गिव द परमिशन ऑफ द फाइल। पहली बार आप कुछ भी कर रहे हो तो कंप्यूटर पूछता है अलाउ या डिनाई। मोबाइल में भी आप कुछ सेव करोगे फर्स्ट टाइम, पहली बार, तो वो अलाउ मांगता है, ठीक है, परमिशन मांगता है। We enter the name of the file and our work is saved. हम लोग allow permission देते हैं, enter करते हैं और फिर file save कर देते हैं। Process of saving our work by giving the file name for the first time is called creating a new file. मतलब जो आप सबसे पहली बार में जो file का नाम दे रहे हो, जिस तरह से जो भी, और उसको save कर रहे हो, उसको हम लोग बोलते हैं creating a new file. Once the file is created, एक बार फाइल क्रिएट हो जाता है, बन जाता है, we can continue our work in it. उसके बाद आप जब मन तब उसमें काम कर सकते हो। When we add more work in a file, जब हम लोग और कुछ ऐड करते हैं फाइल में, जैसे एक कम बना लिए उसमें और कुछ ऐड करना है आपको, तो उसको हम लोग ऐड करने के बाद फिर से हम लोग को सेव करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि ऐड किए और फिर छोड़ दिए, तो जो आप ऐड करोगे वो डिलीट हो जाएगा, इसलिए आपको फिर से दोबारा सेव करना पड़ता है। दिस टाइम कंप्यूटर विल नॉट आस्क फॉर द फाइल नेम। इस बार, लेकिन उस बार कंप्यूटर कोई फाइल नेम या कुछ नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी आप उसको नाम दे चुके हो, पहली बार में आप उस फाइल का नाम दे चुके हो, इसीलिए वो बार बार नाम नहीं पूछता है। हाँ, वो अलग बात है, अगर आपका मन है चेंज करने का तो आप चेंज कर सकते हो फाइल नेम। वहाँ आता है ऑप्शन चेंज द फाइल नेम, तो आप वहाँ जाके फाइल नेम का चेंज कर सकते हो, ओके? सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे क्रिएटिंग अ न्यू फाइल्स तक। नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो आई गिव यू स्टेप्स कैसे हम लोग फाइल सेव करते हैं, वो पढ़ाएंगे हम आपको। फिर व्हाट इफ वी, और अगर फाइल सेव नहीं हुआ तो फिर क्या हो सकता है प्रॉब्लम, ओके? एंड देन क्रिएटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल, डिफरेंट डिफरेंट तरह तरह का फाइल्स बनाना सिखाएंगे हम। एंड दिस पीसीज विंडो, पीसी विंडो के बारे में, पर्सनल कंप्यूटर के विंडो के बारे में आपको बताएंगे। और फिर फाइल और फोल्डर जब आप बना लेते हो, कंप्लीट हो जाता है, तो फिर उसको ओपन कैसे करते हैं। दिस ऑल आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके? थैंक यू।